और इसको हम गरम गरम खाएंगे घी के साथ। महाराष्ट्र स्पेशलिटी है। हेलो एंड वेलकम टू शिप्रास किचन एंड यू वॉचिंग सिंपली महाराष्ट्र। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरी भात। इट्स अ महाराष्ट्रन डिश एंड इट्स रियली यमी एंड वेरी सिंपल टू प्रिपेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम ऑयल को गरम करेंगे। आप चाहें तो घी में भी इसको बना सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली सरसों। वी नीड टू लेट इट स्प्लटर। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। वी नीड टू लेट इट स्प्लटर। जब ये क्रैकल होना शुरू हो जाए इसमें डालेंगे हम हींग, अच्छी लाल मिर्च, करी पत्ता, अ क्विक टॉस ताकि ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, कच्चा आम, नमक, अ क्विक टॉस अगेन, और साथ ही में जाएगा इसके अंदर उबला हुआ बासमती चावल। We'll cook till the rice gets heated through. तो ये लीजिए कैरी भात तैयार है। इसको जल्दी से प्लेट करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू है और चावल अगर घर पे बचे हुए हों तो ये रेसिपी बनाएं, और अगर फ्रेशली भी बना रहे हैं आई मीन इट्स परफेक्टली ऑलराइट। इट टेस्ट रियली गुड विद दाल और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ऑफकोर्स इसको गार्निश करते हैं रेड चिल्ली के साथ। इतनी अच्छी रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा तो खाना बनता है। वाओ, कच्चा आम जो फ्लेवर दे रहा है चावल के साथ इट्स अनबीटेबल। और ये लीजिए कैरी भात तैयार है। कैरी भात बनाने के लिए मेरी टिप है कि जब भी आप कैरी भात बनाएं इसमें करी पत्ता और लाल मिर्ची बाद में डालें ताकि ये जल ना जाए।